ऑटिज्म तो जैसे हमारे ब्रेंस एक पर्टिकुलर टाइप में वायर्ड होते हैं इन बच्चों के जो ऑटिस्टिक होते हैं या स्पेक्ट्रम साइड के बच्चे होते हैं उनके थोड़े से डिफरेंटली वायर्ड होते हैं समझो मेरा बच्चा कोई स्पेशल चाइल्ड है और आपका बच्चा नहीं है तो एक मिनट में मेरे कर्मों पे बात चली जाती है कि मेरे मेरा चाइल्ड स्पेक्ट्रम साइड पे ज़रूर मैंने कुछ गलत किया होगा इसमें गलत सही का कुछ लेना देना नहीं है इट इज़ जस्ट द बैलेंसिंग एंड नॉन बैलेंसिंग ऑफ आर सेल्स हमारे पेरेंट्स को भी शर्म आती है कि हमारा बच्चा ऐसा है पेरेंट्स को शर्म सिर्फ इसी लिए आती है कि हम सब उनका मजाक उड़ाते हैं अगर हम लोग एक्सेप्टेंस दिखाएंगे तो किसी को कुछ नहीं लगेगा वी नीड टू गेट आउट ऑफ दैट कम्फ़र्ट जोन वो कम्फ़र्ट जोन से जब तक हम बाहर नहीं आएंगे ना हम किसी के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे अपने लिए तो छोड़ ही दो हाय मोना थैंक यू फॉर कमिंग इन हेल्थ लाइफ सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि मोना खुद एक स्कूल चलाती हैं लेकिन वो स्कूल इंक्लूसिव स्कूल है अब मोना ही बताएंगे कि आखिर इंक्लूसिव स्कूल का क्या मतलब है ये हमारे ऑडियंस को बताऊंगी इंक्लूसिव का मतलब होता है जहाँ पर न्यूरो बच्चे न्यूरो मतलब जैसे आप और मैं हैं हम न्यूरो होते हैं और स्पेशल बच्चे स्पेशल का मतलब ऑटिज्म uh, हो सकता है डाउन सिंड्रोम हो सकता है कुछ कोई भी बच्चा हो सकता है तो जो मिल के पढ़ते हैं मिलने का मतलब है दोनों की स्ट्रेंथ इक्वल नहीं होती है समझो जैसे एक क्लास में 25 बच्चे हैं जो न्यूरोटिपिकल है मतलब मेरे आपके जैसे हैं तो तीन या दो बच्चे हैं जो स्पेशल बच्चे हैं तो इनका कॉम्बिनेशन लेके आने को इंक्लूजन बोलते हैं आपने जो वर्ड यूज़ किया ऑटिज्म डाउन सिंड्रोम तो ये आखिर ऑटिज्म है क्या ऑटिज्म अगर बहुत ही सरल भाषा में बोला जाए तो जैसे हमारे ब्रेन्स एक पर्टिकुलर टाइप में वायर्ड होते हैं इन बच्चों के जो ऑटिस्टिक होते हैं या स्पेक्ट्रम साइड के बच्चे होते हैं उनके थोड़े से डिफरेंटली वायर्ड होते हैं इतना ही फ़र्क है ज़्यादा नहीं है जैसे इन टाइप जो इस टाइप के बच्चे होते हैं जैसे ऑटिज्म हो गया डाउन सिंड्रोम हो गया डिस्लेक्सिया तो इन सारी चीज़ों में क्या अंतर क्या ये बच्चे एक तरह के ही होते हैं या फिर अलग अलग कुछ कैरेक्टर होते हैं सारे बच्चे डिफरेंट होते हैं अगर मैं डाउन सिंड्रोम बोलूँ तो वो सारे बच्चे दिखने में एक जैसे होते हैं पर वो एक जैसे नहीं होते हैं सिर्फ शक्ल उनकी एक जैसी होती है तो वो बच्चों को हम डाउन सिंड्रोम बोलते हैं स्पेक्ट्रम साइड के जो बच्चे होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं वो रेस्टलेस होते हैं वो बॉडी में कोई ना कोई एक स्ट्रक्चर दिखाते हैं जिससे आपको दो तीन मिनट में पता चल जाता है कि कुछ अलग है जैसे उसका हैंड फ्लैप करना या मे भी लेग शेक करना या प्रॉब्लि हर चीज़ को हाथ लगा के देखना मतलब उनकी बॉडी की सेंसरी नीड हमसे और आपसे ज़्यादा होती है तो वो स्पेक्ट्रम साइड के बच्चे हो गए फिर आया डिसलेक्सिया डिसलेक्सिया डायफोर्बिया ये सारे जो बच्चे होते हैं उनमें अल्फाबेट को रिकगनाइज़ करने की या उनको ज्वाइन करने की चाहे फिर वो मैथमेटिक्स हो चाहे फिर वो नंबर्स हो उनको जॉइन करने की जो कैपेबिलिटी होती है उसको उभारने के लिए या समझो उसे सिखाने के लिए मेथड्स आम बच्चों से अलग लगते हैं मतलब मैं ये नहीं कहूँगी बस प्यार से पढ़ाओ तो आ जाता है नहीं देर आर डिफरेंट मेथड्स तो एक स्पेक्ट्रम एक बच्चे को या एक डिसलेक्सिक को या एक डाउन सिंड्रोम को पढ़ाने के लिए एक स्पेशल टीचर होती है जिसको जिसका टर्म मार्केट में या समझो जो पढ़ते हैं उसको स्पेशल एजुकेटर होता है फिर उनको सिर्फ एजुकेशन की नीड नहीं होती है उसके साथ ऑक्यूपेशनल थेरेपी चाहिए अब ऑक्यूपेशन थेरेपी बहुत माँ बाप नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है मतलब एक मैं आम डॉक्टर की बात करूँ तो तकरीबन सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी रुपीज़ पर 45 फ़ाइव मिनट्स लगते हैं और इतने कम लोग होते हैं जो इस तरह के सेशंस करते हैं कि जो आ, क्लिनिक चलाता है उसके पास दिन रात की भीड़ होती है वो सबको जस्टिस दे नहीं पाता क्योंकि लोग बहुत थोड़े हैं और पेशेंस बहुत ज़्यादा है इसी तरह से बच्चों को स्पीच थेरेपी की बहुत ज़रूरत होती है एक स्पीच थेरेपिस्ट भी तकरीबन इतने ही पैसे लेता है तो अगर एक पेरेंट के पास एक भी बच्चा है जो स्पेक्ट्रम साइड पे है या किसी और साइड पे है जिसमें स्पीच डिले है या और डिफरेंट डिफिकल्टीज़ है तो वो पेरेंट कहाँ से ये सारे पैसे लेके आएगा हर कोई उतना अर्न नहीं करता है कि वो घर संभाले या सारी अर्निंग बच्चे पे लगा दे तो इन सब को लेकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पर हम लोगों ने समझना चाहिए कि हमें एक्सेप्टेंस वो क्यों इतना आ, कोशिश करता है दो तीन रीज़न होते हैं एक वो चाहता है कि चाइल्ड वैसा ही हो जाए जैसे सारे बच्चे हैं सेकेंड वो इस बात से डरता है कि मैं पीछे रह जाऊँगा या मेरा चाइल्ड पीछे रह जाएगा थर्ड बहुत इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि लोग मजाक उड़ाते हैं अगर मैं बहुत टिपिकली इंडिया की बात करूँ तो एक सेकेंड नहीं लगाता है एक इंसान दूसरे इंसान को बोलने के लिए मतलब मैं एक इंसान से दूसरे इंसान का मतलब है समझो मेरा बच्चा कोई स्पेशल चाइल्ड है और आपका बच्चा नहीं है तो एक मिनट में मेरे कर्मों पे बात चली जाती है कि मेरे मेरा चाइल्ड स्पेक्ट्रम साइड पे ज़रूर मैंने कुछ गलत किया होगा इसमें गलत सही का कुछ लेना देना नहीं है इट इज़ जस्ट द बैलेंसिंग एंड नॉन बैलेंसिंग ऑफ आर सेल्स तो उसको इतना बड़ा क्रिएट मत करो एक्सेप्ट करो पता नहीं आज हमारे साथ नहीं है कल हमारे साथ हो भी सकता है जैसे कई बार ऐसा था एक टाइम था जहाँ पर डायबिटीज़ जो थी जो एक बीमारी है वो बहुत रेयर लोगों में होती थी आज 90% परसेंट इंडियंस के साथ डायबिटीज़ है तो क्या करोगे एक्सेप्ट कर लिया ना तो क्यों नहीं उनको एक्सेप्ट करते हैं मतलब मैंने कई बार देखा है बिल्डिंग में अगर एक बच्चा स्पेक्ट्रम साइड पे हो तो फटाफट दूसरे की मम्मी उसको कहती अरे उसके साथ मत खेल क्यों नहीं खेले उससे गलत सीख लेगा क्यों सीखेगा आई I मीन mean, इतना कौन सी बड़ी बात आ गई है बच्चा ही है जैसे आपका बच्चा है वैसे उसका बच्चा है तो ये जो हम सो कॉल्ड सोफेस्टिकेटेड पेरेंट्स हैं ना उनको थोड़ा सोचना चाहिए कि वो बच्चा भी हमारे बच्चों जैसा ही बच्चा है एक्सेप्टेंस आना बहुत ज़रूरी है तो आपको ये नहीं लगता है कि ये प्रॉब्लम इंडिया में ज्यादा है अदर कंट्रीज में इतनी दिक्कतें नहीं है लोग समझते हैं चीजों तक yes. कि ऐसी कई कंट्रीज है मतलब कुछ आईटी वाले पेरेंट हैं एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ आईटी वालों के बच्चों को परेशानी होती है वो दिन रात भगवान से प्रेयर करता है कि मुझे ना कहीं बाहर वाले में मेरा जॉब uh, ट्रांसफ़र हो जाए उसका रीज़न सिर्फ इतना है वहाँ की गवर्नमेंट उसके चाइल्ड को जो सपोर्ट देती है जो एक्सेप्टेंस देती है यहाँ पर तो हम कुछ भी नहीं करते हैं हम कुछ भी नहीं करते यहाँ तक कि हम एक इतना सा रूल लागू नहीं कर सकते हैं कि हर क्लास में स्पेशल चिल्ड्रन होने चाहिए हमने नहीं किया अगर हम रूल नहीं करेंगे तो कोई एक्सेप्ट क्यों करेगा हमारे पेरेंट्स को भी शर्म आती है कि हमारा बच्चा ऐसा है तो इस पर आप क्या कहेंगे पेरेंट्स को शर्म सिर्फ इसीलिए आती है कि हम सब उनका मजाक उड़ाते हैं अगर हम लोग एक्सेप्टेंस दिखाएंगे तो किसी को कुछ नहीं लगेगा हम ऐसे कितने जान पहचान वाले लोगों को जानते हैं जिन्हें बचपन में स्कूल से निकाल दिया गया था मतलब मैं नेम नहीं करना चाहती हूँ पर हम सभी उस बारे में जानते हैं कि एक लेटर उसके घर गया था और उससे कहा गया था कि तुम्हारा बच्चा लाइफ में कुछ नहीं करेगा ले जाओ ये स्कूल के लायक नहीं है तो अब ये मदर का परसेप्शन था उसने बच्चे को ट्रांसलेट करके बताया कि स्कूल कह रहा है कि मेरे बच्चे को वो सब आता है जो आप सिखाना चाहते हो तो वो स्कूल ना आए बच्चे ने सेल्फ स्टडी करनी शुरू कर ली और फाइनली बच्चा आइंस्टाइन बना अगर ये हमारे पास स्पेक्ट्रम साइड के एग्जाम्पल है तो अगर हम सब मिलके कोशिश करेंगे तो हर बच्चा कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा मेरे ही स्कूल का एक एग्जाम्पल है मैं बच्चे का नाम नहीं लेना चाहूँगी आप उससे पूछ लो आप एक बार उसको अपना डेट ऑफ बर्थ बता दो और कोई एक सम सिखा दो जो आप उसको सिखाओगे वो कभी गलती नहीं करेगा वो जो सिली मिस्टेक हम सारे न्यूरोटिपिकल करते हैं जिस कारण हमारे मार्क्स कट जाते हैं मैथमेटिक्स में वो बच्चा नहीं करता एक मेरा बच्चा है आप लैंग्वेज चेंज कर दो आप इंग्लिश में डिक्टेट करो वो इंग्लिश में लिखेगा आप कुछ गिरा दो वो गिरने की आवाज़ लिख देगा उतने में आप हिंदी स्टार्ट कर दो वो हिंदी पे आ जाएगा आप इतना फ़ास्ट बोल नहीं सकते हो जितना फास्ट वो लिख सकता है लेकिन उसको बाक़ी स्कूल में एक्सेप्टेंस नहीं है क्यों क्योंकि वो डिफरेंट है वो डिफ़रेंट है क्योंकि वो तुम्हारी तरह आम नहीं है उसमें जो कैपेबिलिटी है उसको ढूंढने की कोशिश तो करो और हर बच्चे में होती है मेरा ये बहुत करीब से मानना है या समझो भगवान में विश्वास है अगर वो आपसे कुछ चीज़ लेता है ना तो वो आपको बहुत खास चीज़ देता है अब जो देता है उसको ढूंढना शायद हमारा काम है मैं सिर्फ पेरेंट का काम नहीं बोलूँगी हम सबका है तो जैसे हम देखते हैं बस में जाते हैं एक बच्चा कॉन्स्टेंटली किसी को मार रहा होता है मार रहा होता है तो हम क्या करते हैं उसको बहुत गंदा सा लुक देते हैं लाइक लाइक वॉट इज़ दिस लेकिन हम उसका हाथ ऐसे पकड़ के नहीं बोलते हैं बेटा डोंट डू इट कितनी छोटी सी बात है लेकिन हम नहीं करेंगे हम उसको गंदा सा लुक देंगे फिर उसके साथ में उसकी मदर होगी उसको डबल लुक देंगे hmm. क्या जरूरत है क्या जरूरत है जस्ट एक्सेप्टेड दैट ही इज डिफरेंट एंड डिफरेंट पीपल हैव अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ एबलिजम सो फॉलो दैट डोंट फॉलो हिज डिफरेंस डोंट जस्ट रन अराउंड की अरे इससे नहीं हो पाएगा इससे नहीं हो पाएगा इससे अरे उससे वो होगा जो तुमसे नहीं हो पाता है आप जो ये स्कूल चला रहे हो तो क्या आपने किसी मोटो से ये स्कूल खोला या क्या सोच कर ओके okay, मैंने ना मैं जर्मन पढ़ाती थी आ, मैं जर्मन ट्रांसलेटर हूँ बाय प्रोफेशन उससे पहले मैंने साइकाट्रिस्ट मैं साइकैट्रिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन तो जब मैं बच्चों के साथ डील करती थी पहले तो पेशेंट ही नहीं मिलते थे ऑनेस्ट मतलब मेरे टाइम पे पर लोगों पे एक्सेप्टेंस ही नहीं था मतलब साइकैट्रिस्ट के पास जाना मतलब दिमाग ख़राब होगा तो जाना है उसके अलावा ना दूसरा काउंसलिंग वाला जो एक वर्ड है ये अभी अभी कुछ दस बारह साल में सुनाई दिया है इससे पहले नहीं सुनाई देता था तो वो उससे तो मेरा करियर बन नहीं रहा था तो मैंने जॉर्मन लर्न किया फिर जॉर्मन में मैंने पीएचडी करी और ट्रांसलेशन का, का काम किया बट साइमल्टेनियसली मैंने पैशन नहीं छोड़ा तो जब मैं स्कूल्स में जर्मन पढ़ाने जाती थी तो कुछ बच्चे थे जो पढ़ सकते थे कुछ थे जो नहीं पढ़ते थे मैं जर्मन की बात नहीं कर रही हूँ जनरली पढ़ाई की बात कर रही हूँ कुछ स्कूल्स थे जो उनको एक्सेप्ट करते थे कुछ थे जो इतने बुरे हाल में रखते थे मतलब उसको लास्ट बेंच दे, दे देना है उसने उधर बैठना है जे वो वहाँ से हिला तो टीचर स्टिक दिखाती थी मारती नहीं थी वो जानवर नहीं है इंसान है कुछ ऐसे स्कूल्स थे जिन्होंने पेरेंट को बोला शैडो टीचर दे दो शैडो टीचर और बच्चा दोनों अपने लगे हुए हैं कुछ तो कर रहे हैं द इज नो सिंसियर एफर्ट कुछ स्कूल cool ऐसे थे कि चलो तीन चार ऐसे बच्चे आ जाएंगे तो पैसे बन जाएंगे और क्योंकि एडमिशन की मारा होती है इन सब रेस में ना कुछ लोग ऐसे थे जो सच में मदद करना चाहते थे पर उन्हें पता नहीं था कि मैं कैसे करूं कुछ लोग थे उनको था कि यार पहले ही मेरे को इतना सारा काम दे दिया है मैं मैथ्स के पेपर चेक करूं या इस बच्चे को एक्स्ट्रा पढ़ाऊं ऐसा भी होता है या मैं इंग्लिश का पेपर चेक करूं या इसको एक्स्ट्रा पढ़ाऊं वी नीड टू गेट आउट ऑफ दैट कम्फर्ट जोन वो कम्फ़र्ट जोन से जब तक हम बाहर नहीं आएंगे ना हम किसी के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे अपने लिए तो छोड़ ही दो अगर हम कंफर्ट में ही जीते रहे तो मुझे नहीं लगता कि आप एक अच्छा बैंक बैलेंस बना सकते हैं आप अपने कंफर्ट लेवल को थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे तो अपने लिए कर सकते हैं जब अपने लिए सब कुछ करते हैं तो एक करम दूसरे के लिए कर दो आई डोंट थिंक सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट जब मैंने इंक्लूजन का स्कूल स्टार्ट करने का सोचा मेरे मन में बहुत डर था कि ऐसे नहीं हो कि सिर्फ स्पेशल बच्चे ही आए दूसरे आए नहीं तो मेरा इंक्लूजन कहाँ जाएगा पर बहुत टाइम लगता है एक पेरेंट को कन्वेंस करने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल है मेरे क्लास में मेरे स्कूल में दो बच्चे पढ़ते हैं वो पेरेंट का एक भाई आ, स्पेशल है और एक न्यूरोटिपिकल है जब उसको हमसे एडमिशन चाहिए थी उसने दोनों बच्चों को हमारे स्कूल में डाला ये सोच के कि दो एडमिशन हम हाँ कर देंगे जैसे ही दूस एडमिशन हो गई सिक्स मंथ्स, एक साल के बाद वो बच्चे को जो नॉर्मल बच्चा है जो न्यूरोटिपिकल बच्चा है उसको निकाल लिया तो हमने उनसे बहुत प्यार से पूछा कि आपने क्यों चेंज किया किया ठीक है आपका बच्चा आप जो मर्जी करो तो उसने कहा यहाँ पे रहकर वो बाकी बच्चों की तरह गलत आदत सीखता है मतलब अगर कोई पेरेंट जिसका अपना बच्चा किसी कंसर्न के साथ है वो इस तरह से कमेंट कर रहा है तो जो बाकी पेरेंट हैं वो तो कहाँ ही एक्सेप्टेंस दिखाएंगे सो इट्स अबाउट एक्सेप्टेंस फ्रॉम हार्ट नॉट फ्रॉम वर्ड्स तो इन शॉर्ट अगर देखो तो उन पेरेंट ने अपने बच्चे को एक्सेप्ट ही नहीं करा इट्स एज गुड एज दैट वो एक्सेप्टेंस अगर हम पेरेंट से बच्चे को सोसाइटी से बच्चे को टीचर से बच्चे को लाना चाहते हैं ना तो हमें दिल से मानना पड़ेगा कि वो डिफ़रेंट है बेकार नहीं तो पेरेंट्स को कब समझ आना चाहिए कि आपको एक थेरेपिस्ट की ज़रूरत है जब थे? आप पेरेंट बनने का प्लान करते हो तो आप बहुत सारी किताबें पढ़ते हो क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए उसके बाद ये भी पढ़ लो कि कितने महीने में क्या होना चाहिए हर बच्चे का एक टिपिकल माइलस्टोन होता है अगर वो माइलस्टोन बच्चे का कंप्लीट नहीं हो रहा है इट्स अ फर्स्ट रेड रेड फ्लैग वो रेड फ्लैग को वन टू थ्री मत होने दो वन निगलेक्ट भी करते हो तो सेकेंड निगलेक्ट नहीं होना चाहिए नॉक क्योर सेल्फ आज क्योर सेल्फ क्वेश्चन आधे से ज्यादा पेरेंट तो इसीलिए कुछ क्वेश्चन नहीं करते हैं कि उन्हें बहुत विश्वास होता है कि मेरे घर में कोई पागल नहीं पैदा हो सकता इट्स नॉट अबाउट पागल इट्स जस्ट द चाइल्ड नीड्स अ राइट हेल्प जैसे वो Uh, बच्चा वो क्रॉल करता है तो कितने प्यार से हम एक उंगली दे देते हैं कितना फर्क पड़ जाता है तो वही जब वो स्पीच नहीं कर रहा है उसको वो स्पीच थेरेपी की राइट टाइम पे ज़रूरत है थेरेपी से कुछ नहीं होता नहीं रेगुलर करने से होता है बच्चे बोलते हैं ओटी टी दैट इज़ ऑक्यूपेशनल थेरेपी कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता होता है चाइल्ड के बिहेवियर में चेंजेस आते हैं वो सेटल होता है वो स्कूल में सेटल होता है वो घर पे सेटल होता है धीरे धीरे लाइफ में सेटल होता है धीरे धीरे इंडिपेंडेंट होता है पर इसके लिए ना कांस्टेंट एफ़र्ट बहुत ज़रूरी है और आई थिंक कह किसी हद तक है ना गवर्नमेंट ने भी कुछ सेक्टर्स चलाने चाहिए जो पेरेंट्स सच में नहीं खर्च कर सकते एटलीस्ट वो लोग तो वहाँ जा सकें उसको वो नीड जो उसके आवर की है वैसे इस टाइप के जो बच्चे होते हैं लोग जनरली कहते हैं कि पागल हैं पागल हैं तो आप सबसे पहले ये एक्सप्लेन कीजिए कि ये जो प्रॉब्लम होती है ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जब हम वही सोसाइटी हैं जब लड़कियों का बाहर जाना माना नहीं जाता था आज वही लड़की जब कॉल सेंटर जाती है नाइट शिफ्ट करती है मान लिया ना तो इनको मानने में क्या परेशानी है इट वॉज़ अ बिग टैब और दोनों में कोई अंतर नहीं है सिर्फ दिल की बात है मान लिया तो सही है नहीं माना तो गलत है तो बस मान लो कि ये भी हमारे जैसे ही हैं इनमें एबलिज्म है, इन है तुम्हें ढूंढनी नहीं आती है अभी वैसे तो बहुत सारे एक्टर्स के बारे में मैंने पढ़ा जिसे ऋतिक रोशन के बारे में दिया था हॉलीवुड में टॉम क्रूज के बारे में कि उन्हें भी प्रॉब्लम थी राइटिंग में या फिर स्पीच थेरेपी समथिंग हाँ देखो किसी में भी आ सकती है इट्स गॉट नथिंग टू डू कि वो फेमस है या नहीं है इम्पोर्टेंट इज टू वर्क ऑन इट वर्क करते हो तो सॉल्व होता है किस हद तक होता है उसकी गारंटी आपका डॉक्टर आपको कभी नहीं दे सकता है मतलब मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि पाँच सेशन लोगे तो बच्चा बोलेगा नो no. हो सकता है पंद्रह में बोले हो सकता है बीस में बोले हो सकता है दूसरे में बोल बोले सो so, अगर आप ब्रैकेट बुखार की दवाई खाओ तो बुखार उतर जाता है ये ब्रैकेट्स नहीं आ सकते हैं इट विल टेक टाइम जैसे हम स्कूल जाते हैं या फिर कहीं पब्लिक प्लेसेस पे जाते हैं तो हमारा कोई सपोज मजाक बना रहा है तो हमें समझ आ जाता है कि ये हमारा मजाक बना रहा है तो हम रिएक्ट करते हैं तो जो उस टाइप के बच्चे होते हैं उनको ऑलरेडी बहुत मजाक बनाया जाता है क्लास हो या कहीं बाहर हो फैमिली में तो क्या उनके मेंटल हेल्थ तो 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 पे कुछ अफेक्ट होता है hmm. हाँ हमें लगता है कि उन्हें नहीं समझ आती hmm. है पर समझ तो आती है क्यों नहीं आएगी इट्स जस्ट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर दिल तो वही है ना रिएक्ट hmm. क्यों नहीं करता है hmm. क्योंकि वो शेम में रहता है उसको नहीं पता है उसके साथ लोग कैसा बिहेव करेंगे फॉर एग्जाम्पल अब आप और मैं बैठे हैं अगर मैं आपको बार बार ऐसे करूंगी hmm. आप थोड़ी देर बाद क्या करोगे मत कर बोलोगे करेक्ट क्योंकि आपने मेरा ये एक ही बिहेवियर देखा है आप मेरा चार पांच बिहेवियर देखोगे आप शायद उठ के चले जाओगे तो बस वो उठ के नहीं जाना है कमांड्स देने हैं अंडरस्टैंड करना है इंटरेस्ट रखना है गार्डनिंग का कितने लोगों को आता था सीखा ना हर घर में वेजिटेशन चल रहा है सीखने से आया ना हम में से कोई फार्मर फैमिली में तो होता नहीं है जिसके घर में बड़े बड़े गार्डन होते हैं जब हम गार्डनिंग सीख सकते हैं तो हम दूसरे इंसान के लिए कोई कुछ नहीं सीख सकता है छोटे कमांड्स होते हैं बेटा लॉक योर हैंड स्टॉप हमें छोटे वर्ड्स में बोलना है लंबी लाइनें नहीं समझ में आती है स्पेसिफिकेशंस के साथ बोलना है समझ जाते हैं पर उतना एफर्ट चाहिए उतना पेशेंस चाहिए मोस्ट इम्पोर्टेंट उतना एक्सेप्टेंस चाहिए आपने इस पे बुक भी लिखी है हाँ जी मैंने दो बुक लिखी है मेरी पहली बुक मेरा और मेरे हर बच स्कूल का हर बच्चा जो है उसकी जर्नी के बारे में बोलता है मतलब उसके और मेरे इमोशंस क्या? उसमें काफ़ी पोम भी लिखे हैं हमने फिर दूसरी जो बुक है वो बहुत सेल्फ हेल्प वाली बुक है बहुत स्पेसिफिक है मतलब मैं कहूँगी वो वाली बुक दैट इज़ नॉट सो डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ मैं हर साइकैट्रिस्ट हर थेरेपिस्ट हर पेरेंट चाहे आपका बच्चा स्पेशल हो या नहीं हो उसे वो बुक पढ़नी चाहिए राइट फ्रॉम हाउ टू टीच रेडियस से लेकर हाउ टू एक्चुअली डील विद लाइफ इज रिटन फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक स्कूल एक न्यू एक डिफरेंट uh, बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करता उसके क्या कारण होते हैं लिख नहीं सकता बैठ नहीं सकता बोल नहीं सकता ऐसे ही रीजंस होते हैं करेक्ट वो बोल नहीं सकता तो तुम क्यों नहीं डिफरेंट मैथर्ड uh, लेते हो जिससे वो आंसर कर सके फॉर एग्जांपल मैं अपने स्कूल की बात कहती हूँ औरल एग्जाम है वो बच्चे को आप क्वेश्चन पूछो वो आंसर नहीं देगा क्यों क्योंकि वो बोल नहीं सकता है लेकिन आप यस नो मे बी के कार्ड्स तो बना सकते हो क्वेश्चन पूछो वो आपको यस yes, नो no, गलत देगा तो नहीं आता है नहीं देगा तो आता है ये एफर्ट्स लेने हैं hmm. वो होता है ऐसा नहीं कि नहीं होता है है तो बच्चे क्यों नहीं सीखेंगे फॉर एग्जाम्पल लेट से कोई कुछ लोग न्यूरोटिपिकल मतलब आप मेरे जैसे वो कहते हैं इसको ना माइनस प्लस आता ही नहीं है मैं चुप भी सिखाती हूँ ये सिली मिस्टेक करके आता है इसका मतलब है कहीं और रूट में कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो जैसे इन बच्चों में नहीं है वैसे इन वालों में भी नहीं है तो रूट कॉन्सेप्ट को शांति से समझो क्लियर करो वो भी सीख जाएंगे बट जल्दी कोई एफर्ट नहीं डालते हैं वो एफर्ट ही तो नहीं डालना है थोड़ा सा हट के करना पड़ा तो नानी हाँ। याद आ जाती है रेगुलर वर्क तो सारे ही कर लेते हैं मैंने भी रेगुलर स्कूल चला लेना था अगर स्कूल ही चलाना था हाँ। मुझे नहीं चलाना था मुझे एक इंक्लूसिव स्कूल ही चलाना था बहुत धीरे धीरे ग्रोथ है मतलब आप जनरली देखोगे आठ साल में किसी भी स्कूल में पंद्रह सौ से 1800 सौ बच्चे होने में टाइम नहीं लगता है पिछले आठ सालों में मेरे स्कूल में खाली साढ़े पाँच सौ बच्चे हैं लेकिन मैंने कॉम्बिनेशन नहीं छोड़ा कि पच्चीस अगर ये हैं तो दो से तीन वो हैं ठीक है स्लो ग्रोथ तो स्लो ग्रोथ कोई बात नहीं मैं खुश हूं मुझे कोई रिपेंटेंस नहीं है मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स जिनके दूसरे स्कूल्स हैं वो कहते हैं क्या लगी हुई है इसमें अब तक तो देख कहाँ तक पहुंच जाते नहीं पहुंचना है मुझे मुझे ऐसे लगता है कि जो मेरे प्रोफेशन में सेटिस्फैक्शन है वो किसी और में नहीं है मतलब जब कोई बच्चा मेरे को बोलता है और मैं उसको बता दूं कि बेटा तूने ये बोलना है इस तरह प्रेस करना है इस तरह कोशिश करनी है ये वाली टंग एक्सरसाइज करनी है ये वाली ब्रेन एक्सरसाइज करनी है, और वो करता है और वो बोल पाता है तो मुझे वो पैसों से ज्यादा सेटिस्फैक्शन uh, है और इसमें भी है ऐसे नहीं मैं कोई फ्री में नहीं पढ़ाती हूँ सारे पेरेंट्स सेम फीस पे करते हैं कोई ज्यादा नहीं करता कोई कम नहीं करता लेकिन जो सेटिस्फैक्शन मिलता है मुझे इसमें ज़्यादा मिलता है तो उसमें कुछ चैलेंजेस फेस करने होते हैं यानी लाइक like, जो इन इस तरह के बच्चे होते हैं क्योंकि बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है उन्हें कुछ भी समझाने होता है, है बहुत चैलेंजेस एवरी डे देर इज़ अ न्यू थिंग एवरी डे देर इज़ अ न्यू थिंग आई मीन द फर्स्ट थिंग विच इज़ वेरी इज मेरे बच्चे को उसके साथ मत बिठाओ आई लाइक like, क्यों क्या हुआ नहीं वो भी सीख रहा है मुंह में पेंसिल डालना मैंने कहा अच्छा ठीक है नहीं बिठाऊंगी मैंने बच्चे को तो अकेला बिठा दिया उसने पेंसिल खाना नहीं छोड़ा क्योंकि वो उसकी आदत है ना कि इस बच्चे से तो जहां हम ब्लेम कर सकते हैं हम ऐसे ब्लेम करके निकल जाते हैं बस वो आदत छोड़नी है हम सबने छोड़नी है इतना भी मुश्किल नहीं है जब मैं आठ साल कर सकती हूँ तो बाकी सारे दो दो महीना करना शुरू करेंगे तो इट विल बी अ वेरी सिंपल वर्ल्ड और सच में बहुत ज़रूरत है बच्चों को वो बहुत बुरा फील करते हैं उनके बिहेवियर उनके आई एक्सप्रेशन उनके फेस से या हिट करने लग जाते हैं कुछ बच्चे स्पिट करते हैं जनरली डाउन सिंड्रोम में ऐसे होता है जब वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं तो वो स्पिट करते हैं क्योंकि उनको बोलने ही नहीं आ रहा है मैं क्या करूं तो किसी ना किसी साथ तो करोगे जैसे ये वैसे ही हुआ ना जब मम्मी गुस्से हो जाती है तो बर्तन जोर जोर से मार के खाना बनाती है hmm. क्या डिफरेंट हो गया बस तुमने तुलना सही करनी है इज वॉट आई फील